सही गाइस, कैसे आप सही लोग? वेलकम बैक इन अनदर ब्लॉग गाइस। इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, डायरेक्ट जॉब जाते हुए। एंड भाई, दो दिन से ब्लॉग नहीं आया बिकॉज मैं आपको पिछले ब्लॉग में बोला था कि हमारे ऑफिस का जो कितना 70, यानी मैं आपको 21 बोला था, पर क्या वो 17वां साल था हमारे ऑफिस का, तो उसकी पार्टी रखी है। तो उसका जो मैंने ब्लॉग बनाया है ना, उसे एडिट तो मैंने मतलब कर ही दिया है थोड़ा बहुत। उसे क्या अभी वॉइस ओवर करना है पूरा, क्योंकि क्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग थे, तो आपको बताया था बस फीलिंग आ जाती है। तो बस मैंने उसे पूरी तरह से शूट वूट किया है, तो उसे पूरा एडिट तो कर दिया है, प्लस उसमें शॉर्ट्स वीडियो भी बना देते हैं, तो आपको पता है कि सेकंड चैनल पे भी डालना रहता है। तो क्या सब एडिट एडिट भी उसमें बाकी है, तो सब एफर्ट्स डालने हैं उसमें। एंड अभी कुछ नहीं, तो मैं भी जाता हूँ सीधे जॉब पर। और क्या वो वीडियो मतलब सबको संडे तक मिल ही जाएगा? संडे तक तो नहीं, इसको एडिट शायद मैं संडे को ही कंप्लीट करूँगा सब, तो आपको मंडे या ट्यूजडे तक वो वीडियो मिल जाएगा। शायद संडे को भी आ जाए, क्योंकि आपको पता है टाइम फिर से बदल दिया है, शाम को 5 बजे ब्लॉग्स आ रहे हैं। तो वैसे भी चलो देखते हैं क्या सीन है, चलते हैं जॉब पे और मिलते हैं आपसे सीधे शाम को। गाइस आ गए थे हम घर पे, एंड बस अभी आए थे क्योंकि आज थोड़ा लेट आया हूँ मैं। देख सकते हो पीछे वॉच नहीं दिख रही है, अभी बज रहा है 8 बज गए हैं। क्योंकि मेरे को क्या हुआ, आज मैं थोड़ा ऑफिस में लेट हो गया था। मतलब आज क्या फ्राइडे है, मतलब कल है सेकंड सैटरडे, बैंक वैंक सब बंद रहती है, तो क्या बहुत ज़्यादा ही लोडिंग का काम होता है हमारे ऑफिस में। तो वहाँ से मतलब इतना ज़्यादा काम था ना, तो क्या काम करते करते मैं शाम के 6 हो गए। एंड बस अभी घर पे ही था, तो मम्मी भी बना रही है खाना वाना। और क्या आज मैं आपको बताया कि मुझे कल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती वैसे सेकंड सैटरडे के दिन, बट क्या कल जाना पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग रूट है काफ़ी। एक धौड़का जगह है अहमदाबाद में, तो बस हमें दो अहमदाबाद में नहीं गुजरात में, क्योंकि अहमदाबाद से बाहर ही चले जाएंगे, हमें 100 किलोमीटर जैसा होता है वहाँ जाना है, तो 3-4 घंटे का काम है। तो बस अभी मैं भी कल जाऊँगा, तो आ जाऊँगा 12-1 बजे तक, मतलब 9 बजे निकल जाऊँगा और 12-1 बजे तक काम खत्म हो जाएगा, मतलब 2 बजे तक घर पे, क्योंकि 1 घंटा आने जाने में लगता है। एंड मम्मी दिखा दो, बना रही है खाना। मम्मी देख सकते हो आलू गोभी की सब्जी बना रही है, और सब धनिया वनिया काट रही है, रोटी वोटी सब बनाएंगी मम्मी। तो मैं आपको दिखा दूँगा क्या, आज दिवाली आने वाली है, तो दिवाली में हमारे ऑफिस से बोनस भी मिला है मुझे। बोनस में आपको दिखाते हैं क्या मिला, ये कुकीज़ का बॉक्स मिला है मुझे, तो भाई काफ़ी अच्छा है, यानी टेस्टी कुकीज़ थी, मैंने टेस्ट की थी मतलब, तो अपने ऑफिस के तरफ से, यानी काफ़ी अच्छा है, बोनस का गिफ्ट मिला है। तो बस अभी चलो मम्मी बनाते हैं खाना, तब तक दिखाते हैं आपको क्या अभी है, कैसा बना रही है, खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। गाइस तो जस्ट बस मम्मी भी बना लिए खाना, बेड में भी जा रहा हूँ खाना खाने के, देख सकते हो टिकाई का लगा लिया है, क्योंकि यार मुझे मतलब धनतेरस था, मुझे सुबह याद था और अभी मैं शाम को आके भूल गया, तो मैं आप लोग को बुला भी लेता, जब ही याद आया था आप लोगों को हैप्पी धनतेरस। एंड मैं आपको दिखा दूँ क्या पापा ने पूजा भी की है, दिखा देते हैं। माता जी की पूजा वूजा सब कर ली है, एंड कुबेर कुबेर भगवान भी होते हैं, तो उनकी छोटी मूर्ति लाए थे पापा, तो रखी है वहाँ पे, तो बस उसकी पूजा कर ली है। एंड आवाज काफी ज्यादा है, टीवी देख रहे हैं अभी सब लोग, तो बस अभी चलो ये लोग भी खाना खा रहे हैं, मैं भी खाना खाता हूँ फिर जाता हूँ वॉक पे। भाई जस्ट आए थे घर पे, एंड बस मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए, क्योंकि बताया आपको कल सुबह जाना है मुझे जॉब पे। तो बस इस ब्लॉग को करते हैं इधर पे एंड। आपको ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड जरूर सब्सक्राइब करना। मिलता है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बी सेफ एंड राइट सेफ।